अल्लाह पाक आपको बुरी घड़ी, बुरे लोगों और बुरी नज़र से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दिल से दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं, फरिश्ते फौरन उन्हें अर्श इलाही तक ले जाएं और आपके हाथ नीचे आने से पहले वो दुआएं कबूल हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पे और वहाँ से आगे किधर जाएंगे तो आप साथ रहिएगा। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम लोग जा रहे हैं, ये जहानिया सिटी है और हम अपनी ज़मीनों पे जा रहे हैं, आज अपने फार्म हाउस पे जा रहे हैं। बहुत दिनों से हम लोगों का चक्कर नहीं लगा था, तो मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं कराची से। उन लोगों की भरपूर फरमाइश थी कि हम लोगों को कोई किसी गार्डन की सैर कराई जाए, तो चलिए आप भी हमारे साथ रहिए। मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स को कैसे भूल सकती हूँ, तो आप भी और मेरे गेस्ट भी हमारे साथ साथ। तो चलिए चलते हैं हम अपने गार्डन की तरफ, अपने फार्म हाउस की तरफ। हम 14 पुल क्रॉस कर रहे हैं। इसकी एक सड़क जाती है बिहाड़ी की तरफ और दूसरी जाती है मुल्तान की तरफ। अब ये दरमियान में से जो लिंक रोड जाएगा ये हम फार्म हाउस की तरफ जाता है। हमारा 2 साल बाद चक्कर लग रहा है। ये देखिए इस साइड पे माशाल्लाह से स्कूल भी बन गए हैं। अब तो ये एक गर्ल्स स्कूल बना हुआ है, एक बॉयज़ बना हुआ है। पहले ये तमाम प्लाट्स होते थे यहाँ पे खाली, और इधर से जब हम लोग गुजर के जाया करते थे। माशाल्लाह काफ़ी अब आबादी हो गई है। चलो ये क्रॉस करने के बाद हमारा फिर फार्म हाउस आएगा, हम दिखाते हैं आपको आगे। तो चलिए हमारे साथ रहिएगा। ये साइडों पे गंदम लगी हुई है, ये गंदम का खेत है सारा। यहाँ से हमारा फार्म हाउस स्टार्ट हो जाता है। ये देखें इस टाइम सुबह के 9 बजे हुए हैं। हम लोग आज जल्दी नाश्ता करके घर से निकले हैं, तो ऐसी जगहों पे सुबह सुबह जाने का बहुत मज़ा आता है जिस टाइम पे सूरज निकल रहा होता है, हल्की हल्की धूप होती है। इस दफ़ा हमारे गार्डन में किन्नू का बहुत कम फल आया हुआ है। माशाल्लाह पहले ऐसे होता था कि पत्ते कम नज़र आते थे और किन्नू बहुत ज़्यादा नज़र आते थे, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी फैली हुई हैं आजकल किन्नू के बाग में कि पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं। तो काफ़ी हम लोगों के ये पौधे कटवा के तो न्यू लगे हैं, इसलिए किन्नू आपको थोड़े कम ही नज़र आएंगे, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बेहतर हैं। अभी ये बिल्कुल ऑरेंज नहीं हुए, हल्के हल्के ग्रीन है, लेकिन हम लोगों ने जब तोड़ के खाए तो अच्छा टेस्ट था, मतलब खट्टे नहीं थे, मज़े के लगे हैं।
अब हम आ गए हैं डेयरी फार्म पे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन काउज आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए बहुत ही खुली आबो हवा में ये बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत पसंद आया सबको और हमारे गेस्ट बहुत खुश हुए ये सब देखकर। इस डेयरी फार्म पे सारी ऑस्ट्रेलियन काउज हैं और माशाल्लाह यहाँ पे दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो ये नेस्ले वाले और दूसरी कंपनियों को ये दूध सप्लाई करते हैं और ज़बरदस्त खालिस दूध यहाँ पे होता है। तो बहुत अच्छा लगा सबको यहाँ पे आके। ये देखें ये इन काउज को बांधते नहीं हैं, ये खुली इस एरिया में फिर रही होती हैं, चारों तरफ से चार दीवारी की हुई है और गर्मी और सर्दी का इनका बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। ये देखिए ये छोटे बच्चे हैं इनके जिनको फीडर के ज़रिए से दूध पिलाया जाता है और सब ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे आके। ये देखिए ये वो मशीन है जिससे ऑस्ट्रेलियन काउज का दूध निकाला जाता है। माशाल्लाह दूध की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस टाइम पे व्यूअर्स हम बुरी तरह से थक चुके हैं फिर के और हमें भूख भी बड़े ज़ोर की लगी है। तो अब हम घर की तरफ जाएंगे। तो कैसे लगा आपको हमारा आज का ये ब्लॉग? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में अपनी बहन को हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग्स में, तब तक अपना और अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ दीजिए, दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।